गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास एट के हिंदी सेकेंड में आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। एडजेक्टिव इसका हिंदी है, आठ आठ है एडजेक्टिव विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, अनुज ने शुभ समाचार सुनाया। समाचार की विशेषता क्या है? शुभ। अतः शुभ क्या है? विशेषण हो गया। गोपाल ने मीठे आम खाए। आम की विशेषता क्या है? मीठा। यानी कि शुभ और मीठा दोनों शब्द क्या है? विशेषण है। विशेष से क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसमें आम और समाचार दोनों विशेष है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है। विशेषण शब्द विशेष से पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और विशेष के बाद भी। जैसे यहाँ विशेष के पहले विशेषण प्रयोग हुआ है। स्कूटर की विशेषता नीला है। मेरे पास नीला स्कूटर है। स्कूटर कैसा है? नीला। तो ये जो विशेषण है वो पहले इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। बाद में मेरा स्कूटर नीला है, यानी कि विशेषण विशेष के बाद में प्रयोग हुआ है। यहाँ विशेषण विशेष के पहले प्रयोग हुआ है और यहाँ विशेषण विशेष के बाद में, यानी कि यह विशेष है इसके बाद में विशेषण। विशेषण के प्रकार, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष आदि प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जैसे रंग, कोई भी रंग हो तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आकार के बारे में अगर बताया गया हो तो भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण, सच्चा, झूठा। रंग में नीला, पीला, हरा, लाल, जो भी बैगनी, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। आकार में छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, ये सब क्या है? आकार बता रहा है इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। गुण में सच्चा, झूठा, दयालु, धार्मिक आदि गुणों की बात अगर हो रही है तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा आदि के बारे में बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण होगा। दोष में पाप, झूठ, दुष्ट आदि के बताया जा रहा हो तो गुणवाचक विशेषण होगा। स्थान, नागरिक, शहरी, ग्रामीण आदि क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक, पहला जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, जैसे दो, चार, छह, ऐसे रहेगा। अनिश्चित में कुछ, थोड़ा, कम, बहुत, इस तरह से शब्द आएंगे। देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पांच बकरी, दो गाय, चार व्यक्ति, पचास रुपए। इसमें पांच, दो, चार, पचास, ये क्या है? निश्चित संख्या है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा है ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, अतः इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को कुछ पुस्तकें दी। कुछ क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, ज्ञात नहीं है कि कितनी पुस्तकें दी हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण है, आज विद्यालय में थोड़े छात्र आए थे। कितने छात्र आए थे पता नहीं है, लेकिन थोड़े मात्रा में थोड़े थे, इसलिए वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में।
परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण को प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण यानी कि मात्रा बताएं वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे आज 100 ग्राम अदरक ले आना, यानी कि 100 ग्राम जो क्या है वो परिमाण बता रहा है, 100 ग्राम अदरक का अदरक की विशेषता बता रहा है 100 ग्राम, यानी कि ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। मैं 3 लीटर तेल ले आया, 3 लीटर तेल यानी कि 3 लीटर, ये क्या है, संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं वैसे परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष के निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से विशेष के निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम 2 किलो जलेबी तथा 1 किलो दही ले आना, तो 2 किलो और 1 किलो, 2 और 1 क्या है, निश्चित परिमाण बता रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणात्मक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणात्मक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष के निश्चित परिमाण का ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से कुछ मिठाई, यानी कि कुछ कन्फर्म नहीं है कितना, यानी कि कुछ मिठाई ले आना। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करने लगता है तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय बड़ी सीधी है, गाय की विशेषता क्या है, यह गाय बड़ी सीधी है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। वह पक्षी बहुत तेज है, कौन सा पक्षी, वह पक्षी, यानी कि ये संकेत दे रहा है वह, तो यह और वह क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, जिसको अंग्रेजी में, पहले हिंदी में देखते हैं। पहली अवस्था है मूलावस्था, जिसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब विशेषणों का सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं तो करते हुए उनकी विशेषता की किसी से तुलना नहीं की जाती है। जब विशेषणों को उनके सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं और उनकी तुलना किसी से नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं, मूलावस्था कहलाते हैं, या अंग्रेजी में इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तथा केवल विशेषता के संबंध में सामान्य कथन ही होता है तो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे मुकेश सीधा बालक है, एक सामान्य बात हो गई, तो ये क्या है, मूलावस्था है। उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री इसको कहते हैं अंग्रेजी में। जब एक वस्तु की विशेषता की तुलना किसी दूसरी वस्तु की विशेषता से की जाती है और एक को दूसरी से श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे मृगांकी शालिनी से अधिक लंबी है, यहाँ तुलना की जा रही है, इसको तुलनात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। उत्तरावस्था को क्या कह सकते हैं, तुलनात्मक कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हैं। उत्तमावस्था, इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं इसको, सुपरलेटिव डिग्री। उत्तमावस्था को एक वस्तु की विशेषता की तुलना बहुत सी वस्तुओं से की जाती है और उसे सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वह उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे अंजू कक्षा में सबसे सुंदर है, अंजू पूरे क्लास की लड़कियों में सबसे सुंदर है, ये क्या है, उत्तमावस्था, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो गया। नीचे कुछ विशेषणों की 3 अवस्थाओं के रूप दिए गए हैं। जैसे श्रेष्ठ का होगा श्रेष्ठतर, उत्तमावस्था क्या होगा, श्रेष्ठतर, और
उत्तरावस्था श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम। लघु का उत्तरावस्था लघुतर और उत्तमावस्था लघुत्तम। महान का उत्तरावस्था महानतर और उत्तमावस्था महानतम। कुशल का कुशल जो मूलावस्था है इसका कंपरेटिव डिग्री कुशलतर हो जाएगा और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कुशलतम हो जाएगा। दीर्घ उच्च उच्च का जो उत्तरावस्था है वो उच्चतर हो जाएगा और उत्तमावस्था है वो उच्चतम हो जाएगा। निम्न मूलावस्था में है और इसको अगर तुलनात्मक ढंग से लिखा जाएगा तो निम्नतर लिखा जाएगा और सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए निम्नतम लिखा जाएगा। कठोर कठोर ये मूलावस्था है और उत्तरावस्था में इसको कठोरतर कहा जाएगा और कठोरतम ये उत्तमावस्था है। दृढ़ मूलावस्था है, दृढ़ का जो तुलनात्मक अवस्था है वो दृढ़तर है और दृढ़तम इसका उत्तमावस्था है। सूक्ष्म का तुलनात्मक अवस्था है सूक्ष्मतर और इसका जो उत्तमावस्था है वो सूक्ष्मतम है। तीव्र का तुलनात्मक अवस्था तीव्रतर है और जो उत्तमावस्था है वो तीव्रतम है। यानी कहने का मतलब ये मूल अवस्था है ये उससे बेहतर बताने वाली अवस्था जिसे उत्तरावस्था कहते हैं और ये उत्तमा यानी कि सर्वश्रेष्ठ बताने वाली अवस्था है। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था उत्तमावस्था उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, मूलावस्था उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहला जो मूलावस्था है ये अपने मूल रूप में प्रयोग होता है यानी किसी सीधे शब्द में प्रयोग होता है सिंपल तरीके से और उत्तरावस्था में उसको श्रेष्ठतर बताया जाता है यानी कि पहले जो है उससे तुलना की जाती है और जो तीसरा है उत्तमावस्था उसमें सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है उसको। तो ये हो गए विशेषण की तीन अवस्थाएं, मूलावस्था मूलावस्था उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषणों में अंतर। यह सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। और सर्वनामिक विशेषणों में संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। यही अंतर है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में। यह वह ए वे कौन कोई जैसे सर्वनाम शब्द कभी कभी विशेषण का कार्य भी करते हैं, अर्थात जब ये संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में और इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह कल आया था, ये क्या है? यह सर्वनाम है और वे भी सर्वनाम है। ये सर्वनाम के साथ अगर संज्ञा भी लगा दिया जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह कल आया था, यहाँ संज्ञा लगा दिया गया है सर्वनाम के साथ। यह बालक, यह क्या है? सर्वनाम है और बालक क्या है? संज्ञा है। तो यह बालक कल आया था तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वे दौड़ रहे हैं, वे के साथ यदि कोई संज्ञा लगा दिया जाए, कोई नाम लगा दिया जाए या तो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। वे लड़के दौड़ रहे हैं तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द ही मूल रूप से विशेषण होते हैं जैसे बुरा चतुर उच्च तीव्र निम्न दृढ़ तथा योग्य आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय आदि के द्वारा की जाती है। इनके उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे नीति जो क्या है? संज्ञा है। नीति क्या है? संज्ञा है। और नैतिक इसका विशेषण हो गया। विचार क्या है? संज्ञा है। और वैचारिक विशेषण हो गया। दीन क्या है? संज्ञा है। और दैनिक प्रतिदिन हो गया। भूत क्या है? संज्ञा है। और भौतिक विशेषण हो गया। शब्द क्या है? संज्ञा है। और शाब्दिक
विशेषण हो गया, साहित्य संज्ञा है और साहित्यिक विशेषण हो गया, समाज संज्ञा है और सामाजिक विशेषण हो गया, योग क्या है संज्ञा है, योगी क्या है विशेषण हो गया, लोभ क्या है संज्ञा है और लोभी क्या हो गया विशेषण हो गया, सुख क्या है संज्ञा है और सुखी विशेषण हो गया, धन क्या है संज्ञा है और धनी विशेषण है, स्थान क्या है संज्ञा है और स्थानी विशेषण है, स्वर्ग क्या है संज्ञा है, स्वर्गीय क्या है विशेषण है। ऐसे ही बहुत सारे ये तमाम शब्द दिए हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। जैसे पीड़ा शब्द दिया, पीड़ा संज्ञा है पीड़ित विशेषण है, जीव क्या है संज्ञा है जीवित विशेषण है, द्रव क्या है संज्ञा है द्रवित विशेषण है, घृणा क्या है संज्ञा है और घृणित विशेषण है, पुष्प क्या है संज्ञा है और पुष्पित विशेषण है, प्यार क्या है संज्ञा है और प्यारा विशेषण है। इस तरह से ये शब्द जो है वो संज्ञा है और ये उसकी विशेषण। सर्वनामों से विशेषण की रचना, ये सर्वनाम है यह वह जो तुम कौन तुम मैं, ये सर्वनाम है इससे भी विशेषण की रचना होती है। यह से ऐसा बन जाएगा, यह का यह से जो सर्वनाम बनेगा वो ऐसा होगा, वह से वैसा बनेगा, जो से जैसा बनेगा, कौन से कैसा बनेगा, तुम से तुम्हारा मैं से मेरा, ये क्या बनेंगे विशेषण बनेंगे। सर्वनाम से विशेषण बनाना, यह से ऐसा वह से वैसा जो से जैसा, कौन सर्वनाम है और इससे विशेषण कैसा होगा, तुम से तुम्हारा होगा और मैं से मेरा। क्रिया से विशेषण बनाना, ये क्रिया है पट पालना बंद टिकना बेचना खाना उड़ना, पट से पठित होगा, पालना से पालने वाला होगा, बंद से बंदनी होगा, टिकना से टिकाऊ होगा, बेचना से बिकाऊ होगा, बिकाऊ क्या है विशेषण है, बेचना क्या है क्रिया है, खाना से खाऊ होगा और उड़ से उड़ाऊ होगा, ये क्या हो गया क्रिया से विशेषण बनाना हो गया। अव्यय से विशेषण बनाना, अव्यय शब्द और विशेषण चलिए देखते हैं। ऊपर से अव्यय है और ऊपरी क्या है विशेषण है, बाहर अव्यय है और बाहरी विशेषण है, पीछे अव्यय है और पिछला विशेषण है, आगे अव्यय है और अगला विशेषण है। इस तरह से अव्यय से विशेषण बनता है।